बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपने इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपने इस फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अपने फिल्म क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं, क्योंकि हालांकि उनकी फिल्म पिछले कुछ दिनों से रिलीज नहीं हुई है। उनकी लास्ट फिल्म बॉर्न रही थी, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफ़ी अच्छी साबित हुई थी और इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी, लेकिन उसके बाद से ऋतिक रोशन की अभी तक कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की क्रिश 4 का, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके पिता राकेश रोशन की फ्रेंचाइजी से ये फिल्म क्रिश 4 बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक अंदाज में बनाई जा रही है। क्रिश के तीनों पार्ट से ये बेहतर होगी और इसमें बजट भी ज़्यादा लगने जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन के 3 अवतार देखने को मिलेंगे, यानी कि ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, जिसमें पहले तो पिता का रोल निभाते ही थे, इस बार भी पिता का रोल निभाएंगे। वहीं दूसरे ओर सुपर हीरो के रूप में भी ऋतिक रोशन है और सुपर विलियन के रूप में भी ऋतिक रोशन इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, सुपर विलियन का किरदार भी इस फिल्म में ऋतिक रोशन ही निभाएंगे, जो कि एक विलियन का रोल होगा, जिसमें खुखार विलियन का रूप ऋतिक रोशन का होने वाला है। यानी कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में यही दिखाई देने वाला है कि सुपर हीरो ऋतिक रोशन और सुपर विलियन ऋतिक रोशन दोनों किस प्रकार इसमें लड़ाई करते नजर आएंगे। तो आप यदि ऋतिक रोशन के फैन हैं तो आप इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि ऋतिक रोशन पहली बार विलियन का किरदार में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें, यह फिल्म रोबोट को यदि आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि रोबोट में भी एक ही इंसान का 2 किरदार था, जो कि एक सुपर विलियन और एक सुपर हीरो का किरदार था। उसी प्रकार इस फिल्म में भी सुपर विलियन और सुपर हीरो का किरदार होने वाला है। आपको बताते हैं, ये फिल्म बेहद खास होगा क्रिश 4, क्योंकि अभी पूरी कास्ट तैयार नहीं की गई है, लेकिन जितनी भी कास्ट तैयार की गई है उससे यही पता चल रहा है कि फिल्म क्रिश 4 आते ही ब्लॉकबस्टर पे धूम मचाएगी और इस फिल्म को ट्रिपल चौपल कमाई करके ही जाएगी, क्योंकि ये 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। तो क्रिश 4 की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाने वाली है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाकी के शेड्यूल को लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो में यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो बनाए तो आपके पास पहले जा सके।